नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई सर्विस जो आने वाली है हमारे CSC के माध्यम से। वो सर्विस है दोस्तों ग्रामीण ई स्टोर, और इसका टेग लाइन है अब आपके घर तक, कमिंग सून टू योर विलेज। चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रामीण ई स्टोर के बारे में, क्या ये सर्विस है और कैसे हम इसमें काम करेंगे, और किन चुनिंदा वीएलई का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है इस सर्विस के लिए। ये एक्सेल की फाइल है दोस्तों, इसी एक्सेल के फाइल के माध्यम से वीएलई रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं ग्रामीण ई स्टोर के लिए। इस एक्सेल के फाइल के माध्यम से वीएलई का नॉर्मल सा डिटेल उनसे मांगा जा रहा है CSC के स्टेट टीम के द्वारा। जब ये नॉर्मल से डिटेल आप फिल कर देते हैं, इसके बाद आप ग्रामीण ई स्टोर के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास पेपर की कटिंग है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि ये नई सर्विस जो आ रही है ग्रामीण ई स्टोर, ये आखिर है क्या और किस प्रकार ये वर्क करने वाली है। दोस्तों, ये जागरण न्यूज़ की पेपर कटिंग है, इसके हेडिंग में ही आप पढ़ पाएंगे, गांव वालों के लिए होगा ग्रामीण ई स्टोर। लॉकडाउन के दौरान गांवों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को आसान बनाने के लिए सरकार ग्रामीण ई स्टोर लॉन्च करने जा रही है। ग्रामीण ई स्टोर एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिसकी मदद से गाँवों में रहने वाले अपनी ज़रूरत के सामान अपने घर तक मंगा सकेंगे। इस काम में कॉमन सर्विस सेंटर के CSC से जुड़े विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वीएलई की सहायता ली जाएगी। CSC भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अधीन काम करता है। CSC स्कीम के CEO डॉक्टर त्यागी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गाँव में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुगम बनाने के लिए अगले 2-3 दिनों में CSC ग्रामीण ई स्टोर नामक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। यह ऐप हर स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। त्यागी सर ने बताया कि ग्रामीण ई स्टोर से मुख्य रूप से किराना सामान के ऑर्डर हो पाएंगे। ग्रामीणों के ऑर्डर के अनुसार माल मंगाने व उसे उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वीएलई की होगी। ऐप पर सामान की कीमतों को भी दर्शाया जाएगा। दोस्तों, आरंभ में 10,000 वीएलई ग्रामीण ई स्टोर से जुड़ने की संभावना है, लेकिन सफल होने पर लॉकडाउन लंबा चलने की स्थिति में वीएलई की संख्या बढ़ सकती है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो गाँवों में अमेजन व फ्लिपकार्ट जैसी सुविधा शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रामीण ई स्टोर शुरुआत की गई है, लेकिन यहाँ यह सेवा फोन के जरिए दी जा रही है। ग्रामीणों के बीच इस प्रकार की सेवा को लेकर उत्साह देखते हुए ऐप लॉन्च किया जा रहा है। आगे त्यागी सर ने बताया कि आधार से लिंक्ड CSC की अनिवार्य सेवा में लाने से लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों की ज़िंदगी आसान होगी। अभी लगभग 2.6 लाख आधार लिंक्ड CSC हैं, जहाँ जाकर ग्रामीण अपने इंश्योरेंस के किस्त जमा करने से लेकर अपने खाते में आने वाले पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो नई सर्विस स्टार्ट होने वाली है ग्रामीण ई स्टोर, अभी मात्र 10,000 सिलेक्टेड वीएलई का ही चयन किया जा रहा है इस सर्विस के लिए, जो हर जिले के ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के जो CSC वीएलई उनका चयन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन भी उनका हो चुका है और बहुत जल्द ही इसकी मोबाइल एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, हम एक और पेपर कटिंग के माध्यम से इस सर्विस के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। गाँव वालों के लिए भी होगा ग्रामीण ई स्टोर। लॉकडाउन के दौरान गाँव में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को आसान बनाने के लिए सरकार ग्रामीण ई स्टोर लॉन्च करने जा रही है। ग्रामीण ई स्टोर एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिसकी मदद से गांव में रहने वाले अपनी ज़रूरत के सामान अपने घर तक मंगा सकेंगे। इस काम में कॉमन सर्विस सेंटर CSC से जुड़े विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वीएलई की सहायता ली जाएगी। CSC भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के अधीन काम करता है। CSC स्कीम के CEO डॉक्टर त्यागी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गाँव में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुगम बनाने के लिए अगले 2-3 दिनों में CSC ग्रामीण ई स्टोर नामक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। ऑर्डर के अनुसार माल मंगाने और उसे पहुंचाने की जिम्मेवारी वीएलई की होगी। अब दोस्तों, हम अपनी डिजिटल सेवा के पोर्टल को ओपन करते हैं और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो CSC के साथ पहले से ही टाइप हैं। तो चलिए, हम लॉगिन कर लेंगे। सर्विस में जाने के बाद दोस्तों, हम नॉर्मली सर्च बॉक्स में लिख देंगे ई स्टोर, लेकिन दोस्तों ये किसान ई स्टोर है, ये ग्रामीण ई स्टोर नहीं। दोस्तों, जब हम सर्च बॉक्स में लिख लेंगे ब्रांड, अब हमें क्या करना है, ब्रांड कार्ट में चले जाना है। CSC ने पहले से जो किराना की जो सामानें हैं जो टाइप कर रखी है कंपनियों के साथ, वो इस प्रकार का है ITC। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे दोस्तों कि किराना की बहुत सारी सामानें जो हैं यहाँ आपको मिल जाएगी, पहले से टाइप है CSC की, जिसमें से सिंपल सा उदाहरण है हमारे ITC का। ITC की प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ आटा से लेकर सॉल्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी कंपनियाँ CSC के साथ टाइप हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों को ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से अच्छे से सर्विस दे पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, तो दोस्तों के साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।